अच्छा मेरा हाथ छोड़, इधर बैठ, मेरे समझ नहीं आ रहा, बैठ इधर देख। राम राम सलाम सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया और हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और भाई आज हमारे साथ ये बहन है, बहन क्या नाम है आपका? और भाई बहन ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा DM वगैरह करे, तो जब मैंने इनके DM वगैरह देखे तो मैंने इनको अपना नंबर वगैरह दे दिया। और इन्होंने जो मेरे को अपनी सिचुएशन बताई है भाई, इनके करियर को लेके भाई, ये जिस इंस्टीट्यूट में जाती है वहाँ पे कोई लोंडा है, मतलब उसके पीछे आसपास घूमता है आए दिन, नई नई मतलब गंदी गंदी कमेंट्स करना, हाथ पकड़ना, कोई भी ऐसी हरकत करना जो कि इसको ना पसंद आना। और इसने 2-3 बारी समझाया भाई को कि भाई मेरे साथ आप ऐसे मत करो, मेरे घर में पता लग जाएगा तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे चक्कर में ख़त्म हो जाएगी। तो भाई लड़की जो है पढ़ाई को लेके काफ़ी मतलब खुश है, मतलब अच्छा है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने ना देना, ये चीज़ें मतलब करियर को इफ़ेक्ट करेंगे इसके जब इसके घर वालों को पता लगेगी। बात कहाँ से स्टार्ट हुई वो सारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बता दो। एक दिन वो आया पीछे पीछे, फिर इंस्टीट्यूट के टाइमिंग पे ही सेम आने लग गया, फिर कभी कभी कमेंट कर रहा अपने 4 दोस्तों के साथ, मतलब बहुत परेशान कर दिया उसने मुझे। मेरे पेरेंट्स को मैं बता नहीं पाई, अच्छा वो मुझे गलत ही समझेंगे, मेरी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा देंगे, मैं चाहती नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई। तो लड़के को आपने थोड़ा समझाया, बोला है कि मेरे साथ मत करो? हाँ, मेरे को नहीं बात करनी आपसे या कुछ? फिर मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से ले ले, जब मन करता है फोन कर देता है, घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, घर के बाहर भी आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आपने अपने भाई और मम्मी पापा को नहीं बोला आपने? मैं बता नहीं सकती, उनको पढ़ाई बंद करा देंगे। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हो, लड़के के साथ आपको बातचीत रखनी है या फिर उसको भगाना है अपनी लाइफ से? आपको सिर्फ पढ़ाई में इंटर, मतलब आप फालतू चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते? ठीक है, तो अभी आप उसको फ़ोन करके यहाँ पे बुला सकते हो, आपके फ़ोन करने पे आ जाएगा वो? आ तो जाएगा। एक बार आप उसको फ़ोन करो, फ़ोन करके देखो, अगर वो यहाँ पे आता है बाकी का मैं खुद ही निपटा लूँगा, उसको एक बार आप फ़ोन करो। बहुत बदतमीज है वो। कोई नहीं, उसकी बदतमीजी आज उसके अंदर से बाहर से हर जगह से निकाल देंगे। मैं अभी देखना कैसे बात करेगा। हेलो, पूजा बोल रही हूँ। अरे हाँ बोलो। तुम्हें मुझसे मिलना था ना? हाँ बिल्कुल, बताओ कौन है? मैं अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर रही हूँ, वहाँ पे आ जाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ठीक है। बड़ी उत्सुकता है उसको मतलब मिलने के लिए, उसको बहुत जल्दी है मिलने की। आज उसके जल्दी जो उसके अंदर जो अंदर चिल्लम मच रही है ना मिलने की, इसके साथ घूमने की, इसको घुमाने की, वो सारी चिल्लम निकाल देंगे आप सभी के सामने। बस आप इतना बता देना कि उसकी चिल्लम अंदर की सही से निकली है या फिर सही से नहीं निकली। तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो को प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में लेना, ना कि किसी नेगेटिव वे में लेना। आपके आसपास कोई भी लड़का लड़की किसी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो भाई प्लीज़ हेल्प कर दिया करो। बाकी लड़के के आने का इंतज़ार करते हैं और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। ओह हाय। हेलो वेलो मत करो मेरे से। बुलाया क्यों यहाँ? मैं तो कॉल का ही वेट करता था तुम्हारे, आखिरकार आज कर ही दिया ना तुमने। देखो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी इस चीज़ से, प्लीज़ अब ये सब मत करो। पागल वागल हो गया? प्लीज़ मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे मेरे घर वाले। करना क्या है तुम्हें पढ़ के? प्लीज़। लड़कियों की ज़िंदगी इतनी है, घर में जाके झाड़ू पोछा बस। ऐसे मत, प्लीज़ समझो ना। तुम पहले ही बताओ, तुमने मिलने के लिए बुलाया तो यही जगह मिली थी तुम्हें? मेरे को बोल देते मैं कुछ बुक कर देता, वहाँ मिल लेते आराम से। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ तो करो ना, मैं भी तो करना चाहता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं। ये फालतू की बकवास छोड़ के बात कर लो ना। तो यही तो बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा पीछा मत करो, ऐसे गंदे गंदे कमेंट मत पास करो। तो हाँ बोल दे, बात खत्म। फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू करने तो तुम करो ना, तुम्हें किसने रोका है? क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई अच्छे लगते हो, शादी करनी है मेरे को। फिर अभी ये सब नहीं, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ ये सब बातें करने के लिए बुलाया?
कितने दिन हो गए तुम्हें तंग करते हुए, कल तुम मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या है? प्लीज मत मतलब भगा के ले जाऊं जब भी सही लगेगा है? बोलो। लोग देखते तमाशा बनाते घर तो पे आके बताते तुम्हारी लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, क्या सोचेंगे? कौन बताता है? नाम बता। गली वाले बताते हैं। नाम बता। मुझे नहीं पता, मम्मी बता रही थी ऐसे ऐसे। प्लीज ये सब बातें छोड़ो तो बस। तो हाँ बोल, मम्मी पापा तो अपने आप मान जाएंगे। मैं क्यों हाँ बोलूं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं इन सब चीजों में। मेरे इंटरेस्ट का क्या हो गया, मेरे को तो है ना। तो इससे मुझे क्या मतलब है, बस खत्म करो ये। पागल, हाथ मत लगा। मैं तो लगाऊंगा, क्या करेगी यहाँ पे इतनी धूप में, ये पागलों वाली ये बातें सुनने के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। मैं प्यार से बात समझाना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ। प्यार से समझ तो जा कम से कम। क्या मिलता है ये सब करके? तुझे क्या मिल रहा ना करके? शादी नहीं करेगी तू कभी किसी से? मेरे को मेरी पढ़ाई पहले इम्पोर्टेंट है। तो तू पढ़ ना अभी, कि तेरे को कौन रोक रहा है? क्या शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती? नहीं। ऐसे कौन से झंडे गाड़ रही तू शादी से पहले? कैसी वे में बात करते, तो सेंस नहीं है क्या? अरे यार तो सेंस की बात करी तो हाँ तो बोल दे, मैं सेंस सब कुछ सुधर जाएगा मेरा। तू तो हाँ बोल। नहीं तो पहले दूर होके बात कर। मेरे को करूँ ना थोड़ी, तू आराम से बैठ बैठ जा आराम से। हाँ यहीं बैठ, बता कुछ खाएगी? नहीं। ये सब बात छोड़ के बस मेन बात ये है कि तुम मेरे पीछे क्यों आते हो, कमेंट क्यों पास्ट करते, बस ये। तुझे मनाने के लिए? क्या मनाना है? तुझे नहीं पता? नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। कोई अच्छे लगते हो भाई तुम मेरे को? अच्छे लगते तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं? तो यार तू मानती नहीं, जब तेरे को नाम लेके बुलाती तेरे को सुनाई नहीं देता। तो क्या सुनूं मैं? अभी बात पढ़ने जाओ तो बदतमीजी, आओ तो बदतमीजी। अभी बात कर रही है ना? तो ये तो तूने मजबूर कर दिया ना मुझे। मैंने क्या मजबूर किया तेरे को? चल काम का छोड़, कहीं और चलते। मेरा प्लीज चलते ना, कहीं और चलते। अच्छा चले, आ चल। मेरा हाथ छोड़। चल चल चल, आ जा। मेरा हाथ छोड़। अरे पहले बैठ, इधर बैठ। मेरा हाथ समझ में नहीं आ रहा, ये रो के मत दिखाया। इधर देख, इधर देख। मेरा हाथ छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? है चुप हो रही है, चुप हो रही है। मेरा हाथ छोड़ दे। छोड़ रहा नहीं है तू? छोड़ रहा उसको नहीं है? छोड़ रहा उसको नहीं है? छोड़ रहा है उसको है? तू है कौन? हाथ मत लगा दे। कैसे लगा रहा है? हाथ लगा दे, समझ आ रही है? हाथ कैसे लगा रहा है? पूछ के लगाऊंगा तू उसको? उसको क्यों मार रहा है? उसको क्यों मार रहा है? तू मार रहा है? कौन है तू मार रहा है उसको? तू कौन है? तू कैसे मार रहा है उसको? कैसे मार रहा है? मार क्यों रहा है उसको? खड़ी हो बहन, रो मत। है तू कौन है? पहले हाथ लगा। तू है कौन? बाद में बताऊंगा। भैया ये बहुत बदतमीज है। पहले हाथ लग, है कौन? हाथ लगा फिर तेरे को बताऊंगा मैं कौन हूँ। हाथ लगा। अबे कौन है तू? हाथ लगा, हाथ लगा। मैंने इसलिए बुलाया, हाथ लगा पहले। भैया देख लो ये कैसे बात करते हैं। हाथ लगा पहले, ओए हाथ लगा पहले, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा। मर जाए, मर समझता है खुद को? हाथ लगा, हाथ लगा। तू है कौन? हाथ लगा, तेरे को बताऊंगा मैं कौन। हाथ लगा, हाथ लगा बोल रहा हूं। तीन तक गिनूंगा, हाथ नहीं लगाना तेरी गांड फाड़ दूंगा। अरे तू है कौन? दो। समझ नहीं आ रही है कौन है? कौन फिर ताकत दिखा रहा है? फिर ताकत दिखा रहा है? ताकत दिखा रहा है बहन? तेरे को बोल रहा हूं, इधर आ, इधर आ। कहां भाग रहा है? वहां तेरे फूफा जी बैठे हुए। हाथ लगा, लड़की बात कर, बात कर। क्या बात कर रहा है भैया? ये ऐसे ही बदतमीजी करता है रोड पे भी। हाथ आगे, इधर आ, बात कर। क्या बाल खींच रहा था? बाल खींच, बाल खींच, छोड़ दूंगा, बाल खींच छोड़ दूंगा। साले हाथ थोड़ा, हाथ टूट जाएगा तेरा। बात कर, तू बात कर। तू कौन है? बात कर, देख बात आगे बढ़ जाएगी। कौन तेरी? मैं यहां पे घाण फाड़ दूंगा। तू है कौन? बात कर। नवाबजादा है? बात कर, बात कर, कर रहा हूं ना। तू कौन है? चल कर। तेरी क्या खुड़ा कोरी? तू क्या मरवाने आया है? बता रहा हूं कौन बात कर। तू है कौन? बात कर ले ना, हटा के बात कर ले। वो मिनट से पहले कर लूंगा, समझ गया? तू क्या मान रहा है क्या? तू क्या मान रहा है क्या? तू कौन है? हाथ क्यों लगा रहा था? तेरी क्या बहन है क्या? हाँ बहन है। तो बहन को घर में बैठाना अपनी। तो बहन समझ नहीं आ रही है? कहाँ बैठाऊं गुर को? कहाँ बैठाऊं? कहाँ बैठाऊं? कहाँ बैठाऊं? कहाँ बैठाऊं बहन को? इधर कहाँ बैठाऊं बहन को? कहाँ बैठाऊं बहन को?
कहाँ बिठाऊं बहन को? कहाँ बिठाऊं बहन को? बहन को कहाँ बिठाऊं? बहन को कहाँ बिठाऊं? कहाँ बिठाऊं बहन को? कहाँ बिठाऊं बहन को? हैं? हाथ नीचे, सर टूट जाएगा। ये देख रहा है? देख रहा है? कहाँ बिठाऊं बहन को? तेरी बहन है? बहन है तेरी? बहन है तेरी? तेरी बहन है? बहन है तेरी? हाँ या ना? नहीं। तेरी बहन है? दूसरी की बहनों को क्या समझता है? दूसरे की बहनों को क्या समझता है? दूसरों की बहनों को क्यों समझता है? क्या समझता है? है? क्या समझता है? बता, जल्दी बता। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? इसका कौन है? भाई समझ नहीं आया है? भाई समझ नहीं आया? हाथ नीचे, साले मैं तेरे को यहाँ पे मार दूंगा। छोड़ के हाथ हटा के यहाँ पे निपट के अब आराम से बात करेगा या फिर चोट बनती दिखाएगा? आराम से बात देख ले। हाँ, अभी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। हाँ, कौन है वो तेरी जानता है? रिश्तेदारी है तेरी? रिश्तेदारी है? अच्छी लगती है मेरे को। क्या लगती है? अच्छी लगती है। तेरे को बोला मेरे को शादी करनी है? मैं मुंह में डाल दूंगा अभी, जो जो पूछूंगा उसी का जवाब दे। मुंह में डाल दूंगा। इसने बुलाया मेरे को? क्यों बुलाया इसने तेरे को यहाँ पे? पूछ, बता। पूछ पहले। क्यों बुलाया? बता। जो तुम मुझे डेली डेली तंग करते थे इसलिए अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए बुलाया तुमने? तो क्या करती मैं? तेरे को इसने बीच में बोला है मेरे साथ बात मत कर, मेरे को तेरे साथ बात करनी है? बोला है नहीं बोला? जवाब दे। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तूने क्या बोला इसको भाई? बोलना, डर क्यों रही है? बोल क्यों? झूठ बोल रहा है ये। साले झूठ बोल रहा है, है? सच बता, सच बता, अभी टाइम है। सच बता, मार दूंगा। सच बता, झूठ बोल रही है? सॉरी। कौन झूठ बोल रहा है? मैं। अभी क्यों झूठ बोल रहा था? सॉरी। है सॉरी क्या होती है? क्या बोल रहा था? अपनी बहन को घर बैठाऊं? तेरी बहन नहीं है ना? तेरे को पता नहीं है बहनों का? सारी लड़कियों को घर बैठा दे तेरे एक एक जैसे कमीने इंसान की तरह चक्कर में? तेरे को शर्म आ रही थी ये जाते बोलते हुए? हैं भाई, करेगा आज के बाद परेशान? करेगा? करने लायक नहीं छोड़ूंगा। दोनों आंखें ना यूं, ये देख रहा है, यूं डाल के ना निकाल दूंगा तेरे को। तेरे बाप को बुलाओ यहाँ पे। बुलाओ, बोल तो रहा हूं। सोर तो हरकत नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? भैया इसे बोल दो घर के बाहर भी नहीं आएगा। घर के बाहर क्यों जा रहा है? रिश्तेदार है वो तेरी? रिश्तेदार है तेरी? अब नहीं। रिश्तेदार है तेरी? खड़ा हो। फोन आएगा आज के बाद? नहीं। पीछे घूमेगा? नहीं। सॉरी बोल पहले। सॉरी। सॉरी बोल। उठ, नीचे बैठ, बोल सॉरी। सॉरी दोबारा बोल। सॉरी, जिस रास्ते से आया ना उसी से निकल। जहाँ से आया ना वहाँ से निकल। कहाँ से आया? याद है रास्ता? नहीं यार, याद है। चल 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 साले। बहन तेरे सामने मैंने उसको समझा दिया। थैंक यू भैया। आज के बाद तू भी अपना ध्यान रखियो, और उसका भी अगली बारी कोई फोन वगैरह आता है मेरे को या अपने भाई को बता दियो। ये वाली बातें घर पे बता दिया कर। अच्छा नहीं लगता कि अपने माँ बाप को नहीं बताएगी ये बातें। एक देख नहीं, हर लड़की ऐसे नहीं बताती। जब तक तुम लड़कियाँ नहीं बताओगी ना, जब तक तुम सेफ नहीं हो, तुम अपने मम्मी पापा को तो एटलीस्ट बताओ ये बातें। कुछ नहीं होगा तुम्हारी पढ़ाई को, ठीक है बहन? अभी क्लासों पर जाना था क्या तुम्हें? कोई नहीं, आप जाओ, माइक मेरे को दे दो, आप जाओ, आपको लेट हो जाएगा, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं बहन, कोई दिक्कत होगी फ़ोन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?